तो हेलो सब्सक्राइबर्स एंड इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं बाइक ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में कैसे बना सकते हैं। जैसे जैसे बाइक राइडर यहां पे बढ़ते जा रहे हैं, बाइक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। यहां पे अभी सख्ती चल रही है बाइकों पे, बाइक को मुरूर उठा ले रहा है और मुखालफा भी दे रहा है 1000 रियाल का। तो जो लोग बाइक बिना लाइसेंस के चला रहे हैं वो लाइसेंस बनवा ले मेरी माने तो, उसके बाद बाइक राइड करें, यहाँ पे डिलीवरी का काम करें या फिर कोई और काम करें। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप लाइसेंस बनवा सकते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, और जिनके पास फोर व्हीलर का लाइसेंस है उनको कैसे मिलेगा बाइक का लाइसेंस, या फिर जिसके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है उसका क्या प्रोसेस है, और अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही तो क्या करना है आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देख लो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसी वीडियो में अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाया करे। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, नए सऊदी अरब में आए हैं, तो उनको लगेगा 4 फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट के सारे पेज की फोटोकॉपी और वैलिड इकामा, ये डॉक्यूमेंट्स उनके लगने वाले हैं। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेना है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको सीधे चले जाना है जहां की आपकी अपॉइंटमेंट है। मुझे पता है आपको अपॉइंटमेंट अगर आप रियाद में हैं तो आपको नहीं मिल रही है। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो मैं लास्ट में एक तरीका बताने वाला हूं, वो आप अपना लीजिए, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, जो जिनके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो उनके लिए मैंने डॉक्यूमेंट्स बता दिए, और जिनके पास कार का ड्राइविंग लाइसेंस है उनको लगेगा वैलिड इकामा और कार के ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी। अभी 17 तारीख है, आज 17 मई, तो 2 दिन पहले मैंने किसी को भेजा तो अभी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। हो सकता है फ्यूचर में आके मेडिकल की रिक्वायरमेंट हो जाए, आपको मेडिकल कराना पड़े, तो अभी तो नहीं हुई है, अगर आगे होती है तो मैं अपडेट कर दूंगा। तो डॉक्यूमेंट सबके सेम लगने वाले हैं और प्रोसेस भी सबका सेम होने वाला है। अगर आपके पास कार का लाइसेंस है तो आपको कोई छूट नहीं मिलने वाली है, आपको कंप्यूटर पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको ट्रेनिंग भी पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करेंगे, उसके बाद आप मोबाइल फोन में जाके अपने अफसर में जाके अपॉइंटमेंट्स बुक करेंगे। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको दल्ला जाना पड़ेगा ड्राइविंग स्कूल, यानी वहां पर जाने के बाद आपका बाइक राइड टेस्ट होगा सबसे पहले, उसके बाद आपको कंप्यूटर पास करना पड़ेगा। कंप्यूटर जब आप पास होंगे तो उसके बाद आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको क्लासेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्लासेस वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं बाइक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। बाइक ड्राइविंग लाइसेंस की फीस होती है वो आपको ऑनलाइन पे करनी होगी या फिर किसी बैंक के थ्रू सदद करनी पड़ेगी, उसका प्रोसेस आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया और डॉक्यूमेंट्स बता दिए आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं बाइक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो हम बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। आप अपने मोबाइल से ट्राई करें थर्सडे के दिन, जुमेरात वाले दिन आप ट्राई करें 11 बजे से 1 बजे के बीच, अपॉइंटमेंट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर रियाद की आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी तो 2-4 महीने बाद की अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी, तो उससे कोई फायदा नहीं है आपका, 2-4 महीने आपके बर्बाद होने वाले हैं। अगर आप ट्राई करते हैं अपॉइंटमेंट आपको जल्दी की मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है तो मैं आपको लोकेशन देता हूं, एक रियाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर है, मदीना रोड पे पड़ता है मजमा। मजमा में आप डायरेक्ट चले जाएं, अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है। वहां पे आप पहले दिन जाएंगे तो आपको वहां पे अपॉइंटमेंट प्रोवाइड कर दी जाएगी, लगभग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद की आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। उसके बाद आप जाएंगे वहां पे, आपकी बाइक का टेस्ट होगा, यानी आप बाइक राइड करके दिखाएंगे, उसी दिन आपका कंप्यूटर का टेस्ट होगा। अगर आप उसी दिन पास कर लेते हैं तो उसी दिन आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर दिया जाएगा, अगर नहीं आप पास कर पाते हैं तो आपको दूसरी डेट दी जाएगी, फिर आपको दूसरी डेट पे जाना पड़ेगा। कोशिश करें आप पहली बार जाएं आप अपॉइंटमेंट ले लें, और दूसरी बार जाएं तो बाइक तो ज्यादा मुश्किल नहीं है पास करना, बाइक को सिर्फ 1 राउंड 2 राउंड घुमा के खड़ी करना रहता है, वहां पे मुश्किल है कंप्यूटर। वहां से आप बुक लेके आएं, और एक एप्लीकेशन है KSA दल्ला, जिनको नहीं मिल रहा एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर लें APK और उसे इंस्टॉल कर लें, उस पर आप प्रैक्टिस कर लें 4, 6, 10 बार, 15 बार। आपको एक बार में अगर पास करना है तो रोज आप प्रैक्टिस करें, उसके सारे सवालों का जवाब आप देख लें, एक दिन में कंप्यूटर इंशाल्लाह आपका पास हो जाएगा, प्रैक्टिस करके जाएं। अगर आप कंप्यूटर नहीं पास कर पाते हैं तो वहां पे दोबारा आपको डेट दी जाएगी, 7 दिन 8 दिन के बाद ही आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा आप फिर फेल हो जाते हैं आपको तिबारा जाना पड़ेगा, तीसरी बार अगर आप फेल हो जाते हो आपका अल्लाह करीम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट करो और वहां पे सवाल पूछो, जवाब देने की कोशिश करूंगा।
गुड बाय, मुझे लगता है मैंने सारी सब बातें बता दी, आपको कुछ रह गया तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।